गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अच्छा वितरक और उपभोक्ता सूची क्यों और युक्तियां। डीएक्सएन उपभोक्ता सूची तैयार करें, कैसे करें, ये सब हमारा आज का विषय है। चलिए बात शुरू करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट है, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आइए, डीएक्सएन में आपकी प्रथम स्थिति वितरक की है। डीएक्सएन कंपनी में जब आप आते हैं तो आपका जो पहला स्थान होता है वो मेंबर का होता है। मेंबर मतलब आप बेचने वाले प्रोडक्ट यूज़ करके उसको बेचने वाले, ठीक है, तो उसी को हिंदी बोलते हैं। डीएक्सएन में आपकी प्रथम स्थिति वितरक की है, बांटने वाला। अच्छा, उसके बाद उत्पादों से होने वाले लाभों को दूसरों के साथ साझा करें। पहले आपने डीएक्सएन के प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और उससे जो आपको लाभ मिला, फिर दूसरा काम है आपको दूसरों को बताना है इससे हमें क्या लाभ मिला, ठीक है। ऐसे वो उपभोक्ताएं बनाएं जो आपसे नियमित तौर पर खरीदारी करें। ऐसे उपभोक्ता कंज्यूमर ग्राहक बनाना है जिससे कि आप से हमेशा वो प्रोडक्ट लगातार खरीदे। हाँ, इसमें भी एक बात का ध्यान देना है, अगर आपसे लगातार प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको डीएक्सएन कंपनी का मार्केटिंग प्लान ज़रूर आप बताइए। क्यों? अगर आप बता देते हैं ना तो हो सकता है वो भी बहुत अच्छा नेटवर्कर बन जाए। अगर वो नहीं बनता तब भी आपको फायदा है। कैसे? और कोई भी बंदा उनके पास अगर आ जाए डीएक्सएन वाला ही और कह दे कि ये आप डीएक्सएन के इस्तेमाल करते हैं, कहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं, कराएं नहीं, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, फिर वो कहेंगे आपको कितने का मिला, कहेंगे हमें तो 120 में साबुन देता है। अरे यार ये तो 100 रुपये का मिलता है। हाँ अच्छा जी, तो मुझे वो ठग रहा है, मैं आपको 100 रुपये में दूंगा और ऊपर से कैशबैक भी आएगा आपका हर महीने। अच्छा ये बात है, यार उसने धोखा दिया, आने दो, उससे बात ही नहीं करना। ये कह के वो क्या करेगा, बंदा आपसे सामान लेना बंद कर देगा। अगर यही बातें एक बार ले लिया, दूसरी बार जब ले तो उनको बता दीजिए, बेहतर यह है कि दूसरी बार बताएं, नहीं तो आप चाहें तो पहली बार भी बता सकते हैं। इससे यह होगा अगला कोई भी बंदा आएगा वो जब पूछेगा तो कहेगा हाँ मुझे तो बोला था रजिस्ट्रेशन करा लो, डिस्काउंट पे मिलेगा और कुछ कैशबैक भी आएगा, तो मैंने इसलिए नहीं कराया कि मेरे पास टाइम नहीं है, हम तो ये करेगा हमें सिर्फ ला के दे दो, मैं इस्तेमाल करता रहूँगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ये फायदेमंद है, ठीक है। और वो साझा भी नहीं करता, किसी से बताता भी नहीं। इससे क्या होता है कि आपका वो पक्का कंज्यूमर बना रहेगा। अगर यही दूसरे तरीके से अगर आप करते हैं तो फिर वो आपका निकल सकता है कंज्यूमर, ठीक है। कई बार तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी उनका कोई अपना खास बंदा आता है तो अपने अंडर में रजिस्ट्रेशन करा के उनको माल देना शुरू कर देता है। हमारे साथ ऐसा ही हुआ, समझ गए ना। एक हमारे पंजाब, ये हरियाणा से था, जिसके बालों की प्रॉब्लम थे, वो देखिए आजकल वो कहीं और जगह से रजिस्ट्रेशन करा के बंदा और वो इस्तेमाल कर रहा है। एक ऐसे ही हमारे और भी कई जगह के बंदे हैं जो उनके इलाके का स्टॉक पॉइंट होता है वो इसको बेवकूफ़ बनाता है कि हम तो आपके नज़दीक के हैं, ठीक है, और आपकी मैं मदद करता हूँ। कहेंगे आपकी पीवी कितना चढ़ा हुआ है, पुराना इतना है, लो हम पीवी डाल देते हैं बस। फिर वो बंदा फ़ोन नहीं उठाता आपसे, जब अगर कभी फ़ोन कर भी दिया अलग नंबर से, कहेगा मैंने छोड़ दिया, अब मैं यूज़ नहीं करता, मैं काम में लगा हुआ, खेती बाड़ी में काम में लग गया, ऐसे बहाना मार देंगे। हकीकत में वो किसी और के बहकाव में आके वो उधर काम करना शुरू कर देता है। यही से डीएक्सएन की बिजनेस में लोग प्रॉब्लम डालते हैं, ये काम नहीं करना चाहिए। जहाँ जिसकी आईडी लगा है वहीं पे काम करें। इंसानियत तो ये है कि आप उसकी मदद कीजिए, ठीक है, नहीं मदद कर सकते तो उनको धोखा भी मत दीजिए। यार पूरी फैमिली डीएक्सएन का ही तो है, कहीं है किसी को फायदा हो रहा है और आपको भी फायदा होगा। जो भी इंसान कहीं भी जुड़ा है उसको फायदा जरूर होता है, सबको उससे। जैसे डायमंड बनते हैं, डायमंड में तो आपको
कुल बिजनेस का ही तो प्रॉफिट आपको मिलता है, लीडरशिप बोनस और जो विदेश का जो 2% प्रॉफिट होता है उसमें सारे आ गए, ठीक है। तो इसलिए अब आगे मैं बताता हूँ, खुदरा लाभ कमाने के लिए उत्पादों को MRP पर बेचें। क्या खुदरा लाभ कमाने के लिए जो प्रोडक्ट है उसको MRP पे बेचना चाहिए, ना कि DP पे। हाँ, रजिस्ट्रेशन करा लिया तो DP पे देना चाहिए, फिर उसको MRP में नहीं देना चाहिए। सीट स्टॉक मतलब आसानी से बिक्री करने के लिए कुछ DXN प्रोडक्ट को अपने घर या कार्यालय में, जहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं वहाँ रखिए। इससे क्या होता है, लोग देखते हैं, पूछते हैं, इसी तरीके से आपको भी बताना आसान हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने ऑफिस में भी रखिए। वितरक वो व्यक्ति है जो संभावित ग्राहकों को बनाते हुए उत्पादों का वितरण करता है, मतलब असल में वो है DXN का मेंबर, जो व्यक्ति, जो शख्स, जो ग्राहक होने वाला है, जिसमें संभावना है, को उस क्या करता है, उसको भी देता है प्रोडक्ट, और नेटवर्कर भी बनाता है और ऐसे लोगों को भी देता है। मतलब जो भी बंदा आपके सामने आ जाए सबको आपको देना है क्या, DXN के प्रोडक्ट, चाहे एक ले, चाहे दो ले, चाहे दस ले, चाहे रजिस्ट्रेशन कराए या ना कराए, है ना, हर एक को देना है, गरीब को भी अमीर को भी। ये नहीं सोचना यार ये गरीब है ये कौन यूज कर सकता है, नहीं नहीं नहीं, ये आपकी सोच है, क्या पता उसके अंदर वो शौक हो कि मुझे चेहरे को इस अच्छा बनाना है तो वो काफी पैसे खर्च कर सकता है। और खर्चीले के मामले में गरीब लोग ज्यादा होते हैं, अमीर लोग कंजूस होते हैं, ये आप देख सकते हैं। अमीर लोग कंजूस होकर ही अमीर बने और वो अपनी अमीरी को खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए वो कंजूस ही रहता है शुरू से लास्ट तक। वो बीमार पड़ा रह जाएगा कई कई दिन तक, मगर वो दवाई लेने नहीं जाएगा, क्यों, पैसे खर्च हो जाएंगे ना। कुछ अमीर ऐसे हैं जो हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको तो DXN का प्रोडक्ट फटाफट उनको दीजिए, वो फौरन लेंगे। और एक अमीर होता है जो कुछ भी नहीं लेगा, वो पानी घर में आके पिएगा मगर बाहर में नहीं पी सकता पानी, वो क्यों, उसकी कंजूसी है। अगर मार्केट में गया तो खाना तक नहीं खाएगा, वो कहेगा घर पे खाना है, इतना है। तो खैर, अमीर दो तरीके के होते हैं, आप उनमें से पहचान लीजिए कौन सा अमीर अच्छा है जिसको आप DXN का प्रोडक्ट दे सकते हैं। अच्छा, उपभोक्ता सूची क्यों बनाए, ये जो आप देख रहे हैं ना, उपभोक्ता सूची क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि खुदरा लाभ, आपकी खरीद के आधार पर आपको पुरस्कृत किया जाएगा, आपके व्यवसाय में नकदी प्रभाव लाता है और अच्छा उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छा वितरक होगा और मासिक व्यक्तिगत PV प्राप्त करने में मदद करता है। उपभोक्ताओं से रेफरल प्राप्त कर सकते हैं, क्या मतलब, जो आपका जो सूची बना हुआ है उसमें जो ले रहा है बंदा, उसमें पता चल जाएगा कि कौन बंदा है, कब लिया है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, अगर कोई ID रजिस्ट्रेशन करा रखा तो ID नंबर, पासवर्ड, सब चीज़ रखे उनका, ताकि भविष्य में अगर वो भूल जाए तो आप उसको दे सकें, बता सकें। और जब आप 20 कंज्यूमर बनाएंगे, मिनिमम 20 कंज्यूमर, तो उससे ये फ़ायदा होगा आपका PV अपने आप होता रहेगा हर महीना। और जब बाकी एक्स्ट्रा काम करेंगे, वो एक्स्ट्रा आपके जो डाउनलाइन में है उसमें भी आप डाल सकते हैं PV, समझ गए ना, इसलिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा उपभोक्ता ही भविष्य में अच्छा वितरक होगा। अगर आपने पहले उपभोक्ता बनाया, कंज्यूमर बनाया, वही धीरे धीरे आपका नेटवर्कर बन जाएगा, बहुत अच्छा नेटवर्कर बनेगा। मगर आप शुरू में ही नेटवर्कर बनाना चाहेंगे तो फिर लास्ट वो बाद में अच्छा उपभोक्ता भी नहीं रहेगा, इसलिए पहले उपभोक्ता यानी यूज करने वाला, इस्तेमाल करने वाला, कंज्यूमर बनाइए, उनको ग्राहक बनाइए, तो इंशाल्लाह वो फिर जाके वितरक बन जाएगा। मासिक व्यक्तिगत PV प्राप्त करने में क्या मदद करता है, सूची बनाने में मदद करता है। तो 20 कंज्यूमर आज से ही आप बनाइए, ठान लीजिए, 20 नहीं 40 का लक्ष्य लेके चलिए, तो 20 तो इंशाल्लाह बन ही जाएंगे। जब वो 20 बन जाएंगे
तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तब तो फटाफट आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था अच्छा वितरक और सूची, उपभोक्ता सूची क्यों बनाए, उत्पाद को उनके सामर्थ्य के आधार पर बढ़ावा दें। युक्तियां जो होता है ना, उत्पाद को उनके सामर्थ्य के आधार पर बढ़ावा दें, उनके उपयोग का फॉलो अप करें, नए उपयोगों लाभों को साझा करें। ये क्या आता है, जितने भी ज़्यादा आप वो बढ़ावा देंगे और जाके उनके प्रोडक्ट को पहुँचाएंगे, चाहे किसी भी रिसीव करेगा, नए नए उपयोगों का तरीका निकालेंगे, फिर उसको साझा करेंगे, इससे आपकी टीम डेवलप करेंगे तो आगे बढ़ते चले आएंगे। थैंक यू, शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो, हर वीडियो को बहुत मेहनत से सुनते हैं, गौर से सुनते हैं, और हालांकि मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्यों, इसकी वजह है कि हमारे पास सुविधा कम है, ठीक है, इसीलिए कोशिश में हूँ, आप लोगों की मांग है कि वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो और थोड़ा और डिटेल्स में हो, तो मैं आप लोगों की बात मानता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। अगर लाइव वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, तो रात को 10-10:30 बजे आप लाइव वीडियो पे आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा हर रोज़ 10:30 बजे लाइव वीडियो आने के लिए, ठीक है, कभी कभी दिन में भी आ जाता हूँ, तो आप दिन में भी बात कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।